हेलो जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है कठबेड़ी लेक से। हमारा अचानक ही सीन बना है, मैं और हारिस संजरानी साहब कठबेड़ी लेक आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं व्यू। हमारा व्लॉग का तो सीन नहीं था, आज हमारे साथ ड्रोन कैमरा भी है, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की फुटेज वगैरह बनाएं। बाकी देखें, बहुत ही खूबसूरत लेक है, यहाँ पे लोग सारे पिकनिक वगैरह मनाने आए हुए हैं। मेरा और सुंदरानी साहब का अचानक ही सीन बना है, दो मिनट में हमारा प्रोग्राम बना है और हम लोग फौरन ही आ गए हैं कठबेड़ी लेक। हाँ, अरे सुंदरानी साहब कश्ती पे बैठना है फिर यार, बस न खुबैब कह रहा था कि मुझे लेते चलो, अरे साहब ने उसे मना किया है। मैंने कहा शौक पर था। हाँ तो कोई नहीं, आप लोगों को माहौल दिखाते हैं। ये फजल भाई हमें मिले हैं और यहाँ पे हसन इरफान भाई मिले हैं, तो रैंडम ही मिले हैं। क्या हुआ, क्या उधर बिरयानी बन रही है, है? ये सारे भी अपने अपनी पिकनिक मनाने आए हुए हैं। इस साइड पे ये सारा बोट राइड वगैरह यहाँ से होती है, 1500 रुपये लेते हैं 5 बंदों का। थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड भी दे दूं यहाँ की, तो इस साइड पे ये है बोट राइड, बाकी आप इंटर होंगे तो 1000 रुपये फीस है एंट्री की। गोपा शोभा भी देखें, हर इसी तरह अकेला पिकनिक बना रहा है। जिन लोगों को नहीं पता कि ये लेक कहाँ पे है, ये तहसील सादिकबाद में ये लेक है। सादिकबाद से ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर मंठार वाली साइड पे ये लेक आती है। मैंने पहले भी यहाँ पे वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो आज भी हम लेक पे आए हैं। यहाँ पे सारी ये बोट राइडिंग यहाँ से होती है, अभी गए हुए हैं इस साइड पर। बाकी चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है और ये डेजर्ट के बिल्कुल दरमियान में ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। यहाँ पे मैंने ड्रोन कैमरे के लिए इनसे परमिशन मांगी है, तो वो कहते हैं थोड़ी देर तक आपको बताते हैं, तो फिर अगर ये परमिशन देते हैं तो हम ड्रोन फुटेज भी यहाँ पे बनाएंगे। ये बोट आ रही है, यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आती हैं और अपना खाने पीने का सारा यहाँ पे सिस्टम जो भी होता है यहाँ पे लेके आती हैं और इधर ही बैठ के इन्जॉय करती हैं। मुझे ना भूख लगी है, यहाँ पर हमारे हमसायों ने ना हर चीज़ बनाई हुई है, बिरयानी बनाई हुई है, बारबेक्यू, पानी यार एक ट्राई करो, यूट्यूबर हूँ परे तो ऐसे प्रोग्राम ये देखें। चाचू नहीं लगता, चाचू देखे ना, मैं चाचू को इशारा कर अक सवेर दा अक प्लीज एक चीज तक खाओ, प्लीज हेल्प। जब हम लोग गर्मियों में आए थे तो पानी जो था वो काफी ऊपर था, यहाँ पे था, यहाँ था, लेकिन अभी वो नीचे चला गया, काफी पता नहीं सूख गया या क्या हुआ है, समझ नहीं आई इस बात की, प्रोग्राम बढ़ गया। बहुत ही खूबसूरत लेक है। और ये गोपा देखें, इस साइड पे ये सारा वॉशरूम वगैरह कैंटीन वगैरह इस साइड पे इन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखें, ये वॉशरूम वगैरह भी है और दूसरी साइड पे झूले वगैरह भी हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, बच्चों के लिए बैठने के लिए या कोई भी तफरी करने के लिए यहाँ पे झूले वगैरह का भी इंतज़ाम है। अभी हम लोगों को परमिशन मिल गई है ड्रोन कैमरे की, तो अभी हम फुटेज वगैरह बनाएंगे यहाँ की और आप लोगों को भी दिखाएंगे ऊपर से ये सारा मंजर। हम लोग स्पेशल आए भी इसलिए थे कि आज यहाँ पे हम ड्रोन कवरेज करेंगे और यहाँ की ड्रोन फुटेज बनाएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब आए थे मेरे पास तब ड्रोन नहीं था, आज मेरे पास ड्रोन है, हम स्पेशल आए हैं यहाँ पे ड्रोन कवरेज करने के लिए। हाँ रो उड़ाने लगे, ये हमारा रिमोट हुआ है। बैटरी चार्ज है ना, हाँ मेरी काफी ख्वाहिश थी कि यहाँ की मैं ड्रोन।
शॉट भी देख लिए होंगे, काफ़ी मज़ा आया है मुझे। स्पेशल ड्रोन शॉट के लिए आया हूँ यहाँ पे। ये सारे एरियाज हैं बच्चों के लिए, तो ज़रूर हैं इस जगह पे। ये यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं और पार्किंग वगैरह उस साइड पे, दूसरी साइड पे इस तरह बैठने के लिए टेबल्स वगैरह हैं इस साइड पे। ये सारी लेक है। ओके भाई जान, फजल भाई, ओके मुनीब भाई, अल्लाह हाफिज़। मैंने आपको पहचाना नहीं सर। बस अब पहचान लेंगे। हमारा ये छोटा सा ही व्लॉग था, बस ड्रोन शॉट के लिए आए थे। तो जितना हो सका है व्लॉग बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस तरह ये देखें झूले वगैरह खा रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं सारे। अख लाल लिबास काले कुड़ते, मैं जीवे मूसा ऑन द माइकल मा पड़ ले, वो मेरे वैरियां नु जाके कोई दस दे, और रवो बच के मैं देंदा मैं कुठा पवे।